Dear students, welcome on RCE online Patshala. Today we start 14.3. इसकी थ्योरी हमने क्लास में कंप्लीट कर ली थी और उसमें हमने सीखा था कि एंगल बिटवीन बोथ लाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और 14.2 तक हमारा हो ही गया था। तो ये है अपना 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट का भी फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। देखो r वेक्टर इक्वल टू क्या है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था किसी भी लाइन का जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर फाइंड आउट करेंगे उस टाइम हम क्या करेंगे कि जो पैरेलल वेक्टर है उसको उनके बीच में कितना एंगल है वो हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए अब इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ध्यान देना, वेक्टर पैरेलल टू द गिवन लाइंस विल बी, देखो फर्स्ट से क्या आया, बी वन वैक्टर इक्वल टू, देखो ना आर वैक्टर इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लैम्डा बी वन वैक्टर। तो बी वन वैक्टर क्या आया, 3i प्लस 2j और प्लस का 6k। ऐसे क्या होगा, बी टू वैक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j और प्लस 2k। बोलो सही है कि नहीं है? ये देखो आपका ए टू वैक्टर बोल दो इसको, तो म्यू लैम्डा और म्यू तो कॉन्स्टेंट है और ये क्या होगा बी टू का वेक्टर है तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी फॉर्मेट में ही। तो देखो आपने बी वन फाइंड आउट किया, आपने बी टू फाइंड आउट किया, इतना हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस, देयरफोर क्या कहा मैंने, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बोथ लाइंस देयरफोर क्या फॉर्मूला लिखवाया, कोस थीटा इक्वल टू बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर अपॉन में क्या होगा बी वन का मैग्नीट्यूड और बी टू का मैग्नीट्यूड। यही है क्या नहीं? अब इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए सोल्व किस टाइप से करेंगे, देखे ना ध्यान से, कोस थीटा इक्वल टू ये आपका आपने मॉडुलस लगाया है, बी वन क्या है ये रहा 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन में क्या आएगा बोलो, बी वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3i प्लस 2j प्लस 6k और दूसरा क्या है बोलो B2 का मैग्नीट्यूड i प्लस 2j प्लस 2k। ये लो अब इसके आगे तो क्वेश्चन अपना हो ही गया। देखिए देखो cos थीटा इक्वल टू क्या आया बोलो, देखो 3, देखो i होता है तो 3 हो गया, यहां से क्या हुआ 2 2 4 और 6 2 12 कंप्लीट और नीचे देखो रूट में क्या होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर और यहां पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। उसके बाद देखो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये तो 19 हो गया अपॉन में 49 हो जाएगा तो 7 आया यहां से और यहां पे देखो 4 4 1 9 और स्क्वायर रूट 9 क्या होता है 3 तो यहां से क्या हुआ cos थीटा इक्वल टू 19 अपॉन 21। इसको क्या लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू, ये लो पॉजिटिव है कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, तो थीटा इक्वल टू क्या आया cos इनवर्स कंप्लीट। तो हम क्या कहेंगे एंगल बिटवीन बोथ लाइंस क्या निकल के आया, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 19 अपॉन 21। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है।
इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप अपने से सॉल्व करेंगे, सेम है, कोई भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसका अब सेकंड क्वेश्चन अब देखिएगा, नाउ वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3। देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस वन एंड दिस वन, ये आपको क्वेश्चन में लिखा है और ये किस फॉर्मेट में आपको मिला है, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में मिला है। तो देखिए, आप सीधा लिख सकते हैं इसको वन और इसको टू। देखिए, आपका यहाँ पर केवल और केवल हमारा जो मकसद है वो केवल क्वेश्चन को समझना है। नोट्स तो मैं आपको अपने हैंड रिटन सेंड करूंगा ही, तो पूरा ध्यान से देखना। आपके पास लाइन वन ये रही और लाइन ये टू ये रही। देखो, ये लाइन दोनों लिखी हुई किसमें है, कार्टेशियन फॉर्म में लिखी हुई है, और कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी लाइन की डायरेक्शन को कौन शो करता है, डायरेक्शन रेशियोज शो करते हैं। और मैंने बताया था कि एक्स अक्ष, वाई एक्स और जेड एक्स के अलावा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा किसी भी क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन कोसाइंस नहीं लेने, क्या लेने हैं, डायरेक्शन रेशियोज लेना है। तो देखो, ध्यान देना यहां से, डीआरस या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन वन विल बी क्या होंगे बोलो, टू, फाइव और माइनस थ्री। आप डीआरस को एंगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। ऐसे ही डीआरस ऑफ लाइन टू विल बी, बोलो क्या होगा, ध्यान देना, माइनस वन एट फोर, ठीक है। अब क्या करोगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स, ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद देखिए, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स, देयरफॉर कोस थीटा इक्वल टू क्या लिखवाया था, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन में रूट का ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर, ऐसे ही बोलो ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर और सी टू स्क्वायर, कंप्लीट। उसके बाद देखो, कोस थीटा इक्वल टू में ए वन ए टू, ध्यान दो। अब देखो, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो ए वन बी वन सी वन, ठीक है ना, ए वन बी वन सी वन, और ये क्या होगा, ए टू बी टू सी टू, कंप्लीट है। तो देखो, ए वन ए टू क्या होगा, माइनस टू, और ये क्या होगा, बी वन बी टू, फाइव एट जा फोर्टी, और ये क्या होगा, माइनस वन टू। उसके बाद देखो, रूट का टू का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर और माइनस थ्री का स्क्वायर, ऐसे ही बोलो, माइनस वन का होल स्क्वायर, एट का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देख लो, ध्यान देना, कोस थीटा इक्वल टू ऊपर से तो 26 आ गया, और यहां पे देखो 4 25 9, और यहां से क्या हुआ, 164 और आपके पास 16 है। तो कोस थीटा इक्वल टू में 26 अपॉन 38 किसका होगा, रूट का, और ये क्या हो गया, यहां से 9 आ गया, 81 हो जाएगा ना। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है आपके पास, 26 अपॉन 9 38, बताओ इतना सही है कि नहीं है। और देखो, ये आपका पॉजिटिव आया, कोई दिक्कत ही नहीं है, cos थीटा 26 अपॉन 9 रूट 38,
तो यहां से क्या होगा, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 26 अपॉन 9 रूट 38। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। कुछ इन क्वेश्चंस में है ही नहीं, जस्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है, और जो प्रॉब्लम्स है उन पे क्या करना है, जो आपको फॉर्मूला आता है उस पर एप्लीकेशन यूज करना है बस। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसके जस्ट सिमिलर है, और वो आप अपने से करेंगे। आज के लिए इतना ही।